हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का अ शॉर्ट मॉनसून डायरी चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हम लोग बेसिकली एक छोटी सी डायरी का पार्ट देखने वाले हैं। किसकी डायरी का पार्ट देखने वाले हैं? रस्किन बॉन्ड की डायरी का पार्ट देखने वाले हैं। अच्छा, रस्किन बॉन्ड एक बहुत ही फेमस ऑथर हैं। इनकी बहुत सारी स्टोरीज आपने ऑलरेडी पढ़ी होगी और बहुत सारे बच्चों के तो ये फेवरेट ऑथर भी हैं। अच्छा, जो रस्किन बॉन्ड है उन्होंने अपनी डायरी के अंदर फ्लोरा एंड फौना के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करा है ड्यूरिंग द मॉनसून इन मसूरी। तो रस्किन बॉन्ड बेसिकली मसूरी के अंदर रहते हैं, वहाँ पर फ्लोरा एंड फौना कैसा होता है ड्यूरिंग मॉनसून, इसके बारे में उन्होंने बताया। अच्छा, आप सब बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट टास्क है कि फ्लोरा एंड फौना का मतलब क्या होता है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए अगर आपको पता है तो। अब इस डायरी के अंदर उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस लिखा है डे वाइज के उन्हें हर दिन कैसा फील हुआ। तो शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर को, लेकिन उससे पहले फटाफट कमेंट करिए कि व्हाट इज फ्लोरा एंड व्हाट इज फौना। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को ईजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। जून 24, फर्स्ट डे मॉनसून का शुरू हो चुका है। मॉनसून मिस्ट काफी ज्यादा दुख भरी, मतलब एक दुखी सा माहौल उसने क्रिएट कर दिया है। अब मिस्ट का मतलब क्या होता है? बहुत ही धीमा धीमी बारिश होना, इस तरीके की बारिश हो रही है। जितनी भी हिल्स हैं चारों तरफ, उन हिल्स के ऊपर शांति सी फैल गई है, चारों तरफ शांति है। द चिरपिंग ऑफ बर्ड्स स्टॉप्ड सडनली, जो बर्ड्स की आवाज़ होती है वो भी आना अब बंद सी हो गई है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। June 25, अर्ली मॉनसून रेन आना शुरू हो गई है, मतलब अब थोड़ी तेज़ की बारिश आ रही है। ड्यू टू दिस जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड और वार्म हो गया है। ह्यूमिड का मतलब कि नमी हो गई है, चिपचिपी सी नहीं महसूस होती हमें जब बारिश का मौसम होता है, तो उसे ही हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो ह्यूमिडिटी हो रही है और गर्मी सी हो गई है। जो मिस्ट है उसकी वजह से प्राइवेसी और क्वाइटनेस आ गई है। प्राइवेसी और क्वाइटनेस का मतलब कि काफ़ी ज़्यादा शांति हो गई है, बिल्कुल भी शोर नहीं सुनाई दे रहा। अ बॉय आस्क्ड हिम टू डिस्क्राइब हिल स्टेशन एंड वैली इन वन सेंटेंस। एक लड़का रस्किन बॉन्ड को बोलता है कि इस पूरे हिल स्टेशन को और वैली को आप डिस्क्राइब करो सिर्फ एक सेंटेंस के अंदर। तो रस्किन बॉन्ड बोलते हैं कि सिर्फ एक सेंटेंस क्या, मैं तो इसे एक बहुत ही सिंपल से वर्ड में डिस्क्राइब कर सकता हूँ, और वो है रस्किन बॉन्ड ओनली सेड दैट इट कुड हैव बीन अ पैराडाइज। पैराडाइज मतलब कि स्वर्ग, बिल्कुल स्वर्ग जैसी जगह हो गई है ये। June 27, अराइवल ऑफ एनिमल्स लाइक लेपर्ड एंड थाउजेंड्स ऑफ लीचेस मार्क्ड बाय रेन। अब जो एनिमल्स हैं लेपर्ड वगैरह, ये भी सब बाहर निकल गए हैं बारिश की वजह से, जंगल से बाहर निकल गए हैं। क्या होता है कि जब बहुत तेज़ बारिश होती है ना, तो ये अपना खाना वगैरह ढूंढने के लिए या बारिश की वजह से परेशान होकर एनिमल्स इधर उधर जाते हैं। और कुछ एनिमल यानी कि लीचेस, जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं, ज़मीन पर रेंगने वाले एनिमल होते हैं, वो भी बारिश के अंदर तैरने लग जाते हैं, क्योंकि बारिश से पानी पूरा ऊपर तक फिल हो जाता है। जो लेपर्ड है उसने एक डॉग को भी लिफ्ट कर लिया है सर्वेंट क्वार्टर से, मतलब जहाँ पर नौकर रहते हैं वहाँ से एक डॉग को उसने उठा लिया है, और जो कि सर्वेंट क्वार्टर स्कूल के नीचे थे, बिलो द स्कूल थे, वहाँ से। बारिश की वजह से जो इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स हैं उनके फूड के अंदर बिल्कुल भी डार्थ नहीं आया, मतलब कि जो बर्ड्स अपना इंसेक्ट खाती हैं, इंसेक्ट खाकर अपना गुजारा करती हैं, अब उनके खाने में बिल्कुल भी कमी नहीं आ रही, क्योंकि जितने भी इंसेक्ट हैं वो बारिश की वजह से ऊपर तैर रहे हैं पानी के अंदर, तो बर्ड्स आती हैं मज़े से उन्हें खाकर चली जाती हैं। August 24, पूरी रात भर बारिश आई है, जो टीन की रूफ़ है हमारी, लोहे की रूफ़ जो बनी हुई है टीन की रूफ़, उस पर बार बार टप 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 बारिश की आवाज़ आती रही।
बट देर वॉज नो शॉवर नो थंडर, बिल्कुल भी बिजली नहीं कटकी और बहुत तेज़ी की बारिश नहीं हुई, मतलब धीमी धीमी बारिश पूरी रात पर होती रही। अगस्त 3, सॉन्ग्स ऑफ विस्लिंग थ्रस्ट अपियर, मतलब कि इतनी तेज़ हवा चल रही है कि उससे एक सीटी जैसी आवाज़ जी सुनने को मिल रही है। जो रेन है अब वो रुक चुकी है और जो क्लाउड्स हैं वो भी इधर उधर जा रहे हैं, तो कुछ इस तरीके का मौसम हो चुका था। अगस्त 12, द एटमोसफेयर इज सराउंडेड बाय मिस्ट, चारों तरफ क्या देखने को मिल रही है, धुंध और बारिश, और बारिश एंडलेस हो रही है, मतलब कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। जो राइटर हैं वो कहीं भी नहीं जा पा रहे, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी विंडो के बाहर देख पा रहे हैं और विंडो के बाहर उन्हें क्या दिख रही है, सिर्फ और सिर्फ बारिश दिख रही है। अगस्त 31, स्नेक्स और रोडेंट्स, मतलब कि जो रेंगने वाले एनिमल्स हैं वो सब एनिमल्स बाहर निकल गए हैं अपने घरों से, क्योंकि उनके घर के अंदर पानी भर गया है, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि पानी भर गया उनके घर के अंदर। अब उनके घर क्या होते हैं, जो स्नेक्स हो गए रोडेंट्स हो गए, इनके घर क्या होते हैं, इनके घर होते हैं बिल होते हैं बेसिकली, जो ज़मीन के अंदर इन्होंने बनाए होते हैं, चूहे वगैरह नहीं रहते जो अपने बिल बना के, उसे बोलते हैं हम लोग, जो इनके घर हो गए, तो उसके अंदर भी पानी भर गया, तो इस वजह से इन्हें निकलना पड़ रहा है। ये सब लोग शेल्टर के नीचे, रूफ्स के नीचे, गोडाउन्स के अंदर जा जाकर छुप रहे हैं, क्योंकि इनके घर के अंदर पानी भर गया है। किनके घर के अंदर, स्नेक्स और रोडेंट्स के घर के अंदर। जो ग्रैंड मदर हैं वो बच्चों को रोकती हैं, बोलती हैं अरे बेटा मत मारो, इन्हें मत मारो, जो छुचुंदर हैं उन्हें बिल्कुल भी मत मारो। छुचुंदर कौन से एनिमल्स होते हैं, देखो ऐसे दिखता है कुछ छुचुंदर। छुचुंदर्स को मारने के लिए क्यों मना करती है ग्रैंड मदर, बिकॉज जो छुचुंदर होते हैं वो अच्छे सिंबल माने जाते हैं ऑफ लक एंड मनी, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा गुड लक आता है और पैसा आता है अगर छुचुंदर को देख लिया जाए, छुचुंदर आए तो इस तरीके से उन्हें गुड लक माना जाता है। इस वजह से ग्रैंड मदर बच्चों को मना कर रही थी कि इन्हें मत मारो, मस्ती के लिए मत मारो इन्हें। अक्टूबर 3 को स्नोफॉल्स अपीयर होती हैं हाई एल्टीट्यूड पर, और जो मानसून रेन है वो अब विंटर रेन बन चुकी है। एक हेल स्ट्रॉम आता है इवनिंग के अंदर, मतलब कि बहुत तेज़ बर्फ़बारी होती है, हेल स्ट्रॉम किसे बोलते हैं, जब बहुत तेज़ बर्फ़ गिरना शुरू हो जाती है, ओले गिरना शुरू हो जाते हैं। जो हमारे राइटर थे रस्किन बॉन्ड, वो घर के अंदर अकेले हैं, तो वो ऐसा ही लिखते हैं, देखिए वो लिखते हैं कि ही वॉज अलोन इन द हाउस, और वो मज़े से आवाज़ सुन रहे थे रेन की जो कि उनके घर पर गिर रही थी, जो रेन गिर रही थी, जो स्नोफॉल गिर रही थी, उसकी आवाज़ मज़े से वो सुन रहे थे। बाय द एंड ऑफ द मार्च ख़त्म होते होते जो विंटर है वो भी एक तरीके से ख़त्म हो जाता है, और जो मसूरी है दोबारा से, मसूरी के चारों तरफ क्या देखने को मिलते हैं, ब्लैक कलर के क्लाउड्स, और फिर दोबारा से यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, हेल स्ट्रॉम वगैरह देखने को मिलता है, मतलब आंधी तूफान देखने को मिलता है, जो स्काई है वो क्लियर हो जाता है, और जो रेनबो है वो भी बनता हुआ दिखता है। तो यहाँ पर ये पूरा एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर कराया जब वो मसूरी के अंदर थे वहाँ का, कि कैसा मौसम होता है यहाँ पर ड्यूरिंग मॉनसून, और मॉनसून ख़त्म होने के बाद कैसा मौसम हो जाता है, और मॉनसून शुरू होने पे कैसा मौसम होता है। ख़त्म होने के बाद उन्हें क्या देखने को मिले थे, काफ़ी ज़्यादा सुंदर सुंदर रेनबोज। तो अगर आपको इस चैप्टर का सैम्पल पेपर चाहिए, मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये नोट्स चाहिए, तो क्या करना है, सब्सक्राइब के साथ में एक ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके मेंबर बनना है। तो सब्सक्राइब करें, फटाफट मेंबर बने, सैम्पल पेपर पाएं और नोट्स पाएं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।